बुंदेलखंड की सियासी गर्मी एक बार फिर बढ़ गई है और लगातार जिस पल का इंतजार था, भारतीय जनता पार्टी के टिकट का इंतजार था, किस प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, और बाजी मार ली है मऊ मानिकपुर के विधायक आरके सिंह पटेल ने, जो किसान पुत्र, किसान नेता और जन जन के नेता कहलाते हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं इस टिकट पर जो आपको पार्टी ने मौका दिया है? नवरात्र के प्रथम दिन आपको मौका मिला है। देखिए, मैं सबसे पहले, आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के मौके पर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया, जो हमारे बीच में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सहित पंडित हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे बीच में नहीं है, उनके आदर्शों वाली पार्टी ने आज मुझ पर यहाँ पर मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। कांग्रेस के बाल कुमार पटेल हैं, गठबंधन से श्यामा चरण गुप्ता हैं, आपकी लड़ाई किस व्यक्ति से है, किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे, क्या रहेगा? देखिए, मोदी जी ने जो 5 सालों में काम किए हैं, प्रदेश की सरकार ने जो हमारे इधर 2 साल के काम किए हैं, उनके आधार पर कोई कहीं पर कहीं भी दिखाई नहीं देगा। इस बार सारे लोग, जातेदारी, नातेदारी, रिश्तेदारी, यारी दोस्ती सब जाएंगे भूल, याद रखेंगे मोदी और कमल का फूल। समस्याओं को लेकर आपका चेहरा लोगों को याद रहा है, हमेशा से याद रहा है, आपकी जो मूलभूत जो मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे, क्योंकि पाठा से आपका रिश्ता जुड़ गया और आप बांदा चित्रकूट। देखिए, मुद्दे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे पाठा के क्षेत्र में और हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में और पूरे प्रदेश और देश में जहाँ बिजली नहीं गई थी आज़ादी के बाद तक, वहाँ बिजली देने का मुफ्त में काम किया। मुझे याद है वो दिन, एक सिलेंडर के लिए मैं 6 महीने तत्कालीन माननीय सांसद जी हमारे रहे, मैं विधायक रहते हुए 5-6 महीने में मुझे कूपन मिल पाया था एक गैस के सिलेंडर का। तो वो गैस का सिलेंडर जो विधायक कभी कूपन लाइन में लग करके माननीय सांसदगणों से लेने का काम करता था, उस गैस के सिलेंडर को पूरे पाठा के क्षेत्र में घर घर तक, उस गरीब के घर तक चूल्हा मुफ्त में जलाने का काम मोदी जी ने किया है, मुफ्त में बिजली जलाने का काम किया है। इन सारी बातों को लेकर के पानी के लिए अभी 9,000 करोड़ रुपए प्रत्येक पाठा के क्षेत्र में, प्रत्येक बुंदेलखंड के गांव में पानी के लिए 9,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमारी सरकार ने भी किया है। प्रदेश सरकार 40% और 60% भारत सरकार ने हर गांव में पाइप पेयजल योजना से पानी सप्लाई करने का काम आने वाले 1 साल के अंदर हमारी सरकार करने जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों को, जो गरीब के झोपड़ी का विकास नहीं हुआ था, तो झोपड़ी के पे छत पड़ने का काम मोदी जी ने दिया है, उसके घर में शौचालय देने का काम किया है, किसान की आमदनी 2 गुना करने का काम किया है, और किसान को अभी पेंशन के रूप में, जब एक मांग किसानों की बड़े लंबे अरसे चली आ रही थी, किसान पेंशन दी जाए, और आज मोदी जी ने बेरोजगार पेंशन देने के साथ साथ किसान पेंशन देने का काम किया है कि बड़े लंबे अरसे चली आ रही थी किसान पेंशन दी जाए और आज मोदी जी ने बेरोजगार पेंशन देने के साथ साथ किसान पेंशन देने का काम किया है। प्रत्येक किसान को 500 रुपए हर महीने उसके खाते में सीधे 2,000 रुपए अभी आया, फिर आगे आ रहा है। तो इस तरह से वो कम से कम अपनी खाद बीज का इंतजाम, अपनी बच्ची के दवाई का इंतजाम और 5 लाख तक का मुफ्त में इंतजाम दवाई का मोदी जी ने गरीब के घर में किया है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। भैया भैया प्रधान जी, सबका साथ सबका विकास, सब कुछ जाओ भूल, बस याद रखो मोदी और कमल का फूल। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के माननीय प्रधान है और भारत, ये मजबूत लोढ़वारा के प्रधान रहे हैं, सपा के मजबूत नेता है, उनका भी इशारा है कि मोदी जी आएंगे। अरे, आखिरी सवाल ये, जिस तरीके से सियासी धड़कने तेज थी प्रत्याशियों की, बाहर के अंदर के तमाम लोग लगे थे, क्या लगता है आपको कि जनता की आवाज को समझ के पार्टी ने टिकट दिया है, कोई सियासी समीकरण? ये प्रश्न नेता बड़े, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय और ऊपर वालों का, ऊपर वाले का ये निर्णय जो है। भैया भैया भैया, बधाई हो, यादव जी को बधाई हो। ये देखिए, यादव बिरादरी का व्यक्ति था, ये अभी छेदी यादव है। अच्छा, आपको तो ये जो कहना कि इस जाति का प्रत्याशी, जाति वाति दारी सब, मोदी जी ने जातेदारी नातेदारी सब खत्म, मोदी जी ने जातेदारी नातेदारी सब खत्म कर दिया है। अब विकास के मुद्दे पर मोदी जी ने जो भारत के को, हमारे गौरव
दुनिया में नाम करके दिया है, तो उस मुद्दे पर ये चुनाव है और इसलिए मोदी जी का कोई सानी नहीं है। यहाँ से फिर से मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसान पुत्र मैदान में आ गया है। देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, गांव के गरीबी से हालत से मैं निकल करके यहाँ तक आया हूँ और जन सहयोग, लोगों का आशीर्वाद, जन भावनाओं का आशीर्वाद, लोगों की, जनता का, क्षेत्र की जनता का, पूरे आम आवाम के लोगों का मुझे जो आशीर्वाद, मुझे जो दुआएं, मुझे जो प्रेम और मिला है यहाँ तक लाने में, मुझे उम्मीद है फिर से वही प्रेम आशीर्वाद मुझे सबका मिलेगा। और मोदी जी का भी नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ सबको सादर प्रणाम, धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के बांदा चित्रकूट से उम्मीदवार आर के सिंह पटेल, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुद्दे उनके जनता से संबंधित होंगे और लड़ाई किसी से उनकी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विजय होगी, ऐसा उनका कहना है। अनुज हनुमत, चित्रकूट, हिंदी खबर।